This Okay. conference will now be recorded. Our today's topic is modules in Python. And yesterday I told you what is modules. Anna? Yesterday I told you what is modules, right? And modules क्या है? ये मैं आपको yesterday आपको बता चुका था एक छोटा सा short कि module module is a python file. What is module? Module is a python file. कि module हमारा क्या है कि python के अंदर जो module है वो एक python file ही module है, right? ठीक है, पाइथन फाइल ही एक पाइथन प्रोग्राम है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ए पाइथन मॉड्यूल मॉड्यूल कैन बी डिफाइंड डिफाइंड एज ए पाइथन फाइल. ठीक है, पाइथन फाइल और शुड आई से पाइथन प्रोग्राम, राइट? जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो पाइथन मॉड्यूल इज व्हाट? पाइथन मॉड्यूल इज ए पाइथन फाइल, और पाइथन मॉड्यूल कैन बी डिफाइंड बाय ए पाइथन प्रोग्राम. ओके, फाइल Python program file, है ना? A module can contains a Python code, ठीक है? Including what? क्या क्या include कर सकता है एक module? Functions, class, variable, है ना? और ये हम पढ़ेंगे soon, ठीक है? Later we discuss, ठीक है? Sorry. ये अभी तक टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, ये हम जल्दी ही पढ़ेंगे, ठीक है? और सिंपली वी कैन से ए फाइल सेव्ड विद डॉट पी वाई एक्सटेंशन, ठीक है? ए फाइल विद मॉड्यूल इज व्हाट ए फाइल सेव्ड विद py extension is called a module. ठीक है, एंड तो मैं कोई भी मॉड्यूल यहां बनाता हूं और उसको सेव करते हैं तो उसको हम अपना मॉड्यूल डिस्कस करेंगे. एंड मॉड्यूल को यूज करने के लिए, ठीक है, मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करने के लिए बच्चों हमें एक कीवर्ड की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट कीवर्ड. ठीक है, एक कीवर्ड की नीड होती है और वो हमारा कौन सा कीवर्ड है? वो है हमारा इंपोर्ट कीवर्ड. ठीक है, चलिए तो एक सिंपल सी बात, एक मॉड्यूल बनाते हैं. तो मॉड्यूल बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है? मॉड्यूल बनाने के लिए सिर्फ हमें एक पाइथन की फाइल बनानी है और उसको क्या कर देना है? सेव कर देना है. सिंपल, वेरी सिंपल. सो जस्ट गो टू द फाइल न्यू एंड ओके सॉरी न्यू ओ एंड अदर्स अदर में जाके मैंने चूज किया पाइथन को. ठीक है, एक मेरी पाइथन फाइल है और इसको मैं सेव कर रहा हूं बच्चों अपने सेम फोल्डर के अंदर, 12th नाम के फोल्डर के अंदर. इसको मैं दे देता हूं माई मॉड्यूल डॉट पी वाई. ठीक है, मैंने इसको फाइल का नाम दे क्या दे दिया? माई मॉड्यूल डॉट पी वाई. ठीक है, मैंने सेव कर दिया.
अब देखो यहां पर जो फाइल खुली हुई है ये खुली हुई है माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। कैन यू सी जो फाइल हमारी खुली हुई है वो खुली हुई है माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। इस समय मैं ये फाइल पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, कल हमने फंक्शंस पढ़े है ना, और फंक्शंस के लिए मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी कि फंक्शंस का यूज क्यों हो रहा है, कहाँ पर फंक्शंस हम यूज कर पा रहे हैं, क्यों यूज कर पा रहे हैं। सेम वे मुझे मुझे क्या करना है कि मुझे एक और सेपरेशन लगाना है। पहले तो हमने क्या किया, अपने कोड को फंक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है। हम क्यों कर रहे थे, ताकि हम वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकें। व्हाई वी आर डूइंग द फंक्शंस, ताकि हम अपने अपने प्रोग्राम को वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकें, दैट इज द रीजन। नाउ द सेकंड रिक्वायरमेंट कि आई हैव सो मेनी फंक्शंस इन ए पर्टिकुलर मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब ही मैंने बताया कि फाइल ही होती है। सपोज किसी पाइथन प्रोग्राम के अंदर, किसी पाइथन फाइल के अंदर मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, तो हम उनको एक जगह कैटेगराइज नहीं करना चाहता, मैं उनको सेपरेट सेपरेट फाइल के अंदर कैटेगराइज करना चाहता हूँ। तो वो भी पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है किससे, मॉड्यूल से। तो मान लेते हैं कि बच्चों माई मॉड्यूल डॉट पी वाई ये एक मेरी फाइल है, ये एक सिंपल पाइथन फाइल है। इसको मैंने बस पहचान के लिए मॉड्यूल वर्ड ये दे दिया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम एक नॉर्मल फाइल नहीं ले सकते, है ना। जैसे पहले हम जो फाइल में काम कर रहे थे वो लर्न डॉट पी वाई थी, तो उस फाइल को भी मैं मॉड्यूल की तरह यूज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बस मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका नाम कर दिया माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, बड़ी एक सिंपल ही पाइथन फाइल है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन एक मैंने फंक्शन बनाया है मैसेज नाम से, राइट। एंड मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट है कॉमा नेम, एंड इनसाइड दिस फंक्शन आई एम पासिंग सम नेम, राइट। और मैंने ये सेव कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब ये जो मेरा फंक्शन है ये किसके अंदर है, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के अंदर ये मैंने फंक्शन बना रखा है, ठीक है। और मैं देखिए मैं आ जाता हूं अपनी फाइल पर लर्न डॉट पी वाई। अब आप देखिए कि यहां पर मैं उस मैसेज नाम के फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने एक नाम पास कर दिया अरुण, ठीक है, अरुण मैंने यहाँ पे एक नाम पास कर दिया। नाउ इफ आई रन दिस कोड, इफ आई रन दिस कोड, एनीवन कैन गेस व्हाट विल बी द आउटपुट। ओ ओ सॉरी आई फॉरगेट राइट सी, दैट इज द रीजन दिस इज एरर। ओके फाइन, नाउ एनीवन कैन गेस व्हाट विल बी द आउटपुट इफ आई रन दिस कोड पाइथन, पाइथन स्पेस लर्न डॉट पी वाई। ओके यस आई रिसीव्ड वन टू टू आंसर्स। ओके ओके एरर, तनु से एरर कि इफ आई रन दिस कोड आई रिसीव्ड ए एरर। राघव से एरर, ओके आई इफ आई रन दिस कोड आई रिसीव्ड ए एरर, डेफिनेटली आई रिसीव्ड ए एरर। एंड व्हाट इज द एरर, इट सेज नेम मैसेज इज नॉट डिफाइंड। कह रहे कि जो मैसेज आपने एक डिफाइन किया है, जो आप फंक्शन आप कॉलिंग कर रहे हो, ये तो आपने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, हाउ कैन यू कॉल दिस फंक्शन। तो अब इस फंक्शन को तो मैं कॉल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये वाली फाइल में देखूं जो लर्न डॉट पी वाई के नाम से है, इसके अंदर तो इसके अंदर तो ओके इसके अंदर तो मेरा मैसेज नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं। वो फंक्शन कहां पर है, वो फंक्शन है तो सही वो, लेकिन वो फंक्शन है इस फाइल के अंदर, कहां पर, डेफ मैसेज नेम, और वो फाइल है मेरी माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। इसके अंदर मेरा फंक्शन है, लेकिन लर्न के अंदर वो फंक्शन नहीं। मैं यहां पर सिर्फ क्या कर रहा हूं, उसकी कॉलिंग कर रहा हूं। Here what I am doing, calling, calling of a function, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू यूज दैट फंक्शन, ठीक है भाई, यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यूज करने के लिए बच्चों हमारे हमको क्या करना होगा, उस मॉड्यूल को, उस पाइथन की फाइल को इंपोर्ट करना होगा। क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं हाउ टू यूज ए पी वाई पाइथन मॉड्यूल, कैसे यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप वन इज वी नीड टू इंपोर्ट, इंपोर्ट इंपोर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल विच विच यू वॉन्ट टू यूज,
ठीक है। उस सबसे पहला स्टेप है कि हमें सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है ना। अब इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और दूसरा है फ्रॉम इंपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टेटमेंट। बस मैं ये लिख देता हूं, इतना ही लिख देता हूं, इंपोर्ट और फ्रॉम इंपोर्ट, ठीक है। आई थिंक इट इज गुड, ठीक है। इफ ये क्या है, टू लोड मॉड्यूल इन आर पाइथन पाइथन कोड, इन आर पाइथन कोड स्लैश प्रोग्राम, ठीक है। अगर मुझे अपने प्रोग्राम में किसी भी पाइथन के मॉड्यूल को यूज करना है, जिसको मैं बोल रहा हूं लोड करना है, तो मुझे आइदर दिस स्टेटमेंट, ठीक है, और आइदर दिस स्टेटमेंट, कि ये दो तरह के टेक्निक है जिससे मैं अपने किसी भी पाइथन के मॉड्यूल को अपनी फाइल में इंपोर्ट कर सकता हूं। तो हम पहला सीखेंगे इसमें इंपोर्ट स्टेटमेंट वाला, ठीक है ना। फॉर जो सिंपल इंपोर्ट है पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हमें क्या है, सिंटेक्स क्या लिखना है, इंपोर्ट इंपोर्ट एंड मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल नेम, व्हाट इज द सिंटेक्स, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। लेट 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 मी टेल यू द सिंटेक्स, सिंटेक्स फर्स्ट, सिंटेक्स सिंटेक्स क्या है, इंपोर्ट इंपोर्ट एंड मॉड्यूल मॉड्यूल नेम कॉमा मॉड्यूल नेम वन। मे बी यू वांट टू यूज मल्टीपल मॉड्यूल एट द सेम टाइम, सो यू कैन डिफाइन मल्टीपल मॉड्यूल्स, टू कॉमा थ्री, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मल्टीपल मॉड्यूल्स यू कैन डिफाइन, एक के साथ आप एक ही साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स, अगर आपको 8-10 मॉड्यूल की भी जरूरत है तो आप यहां पर मल्टीपल मॉड्यूल्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। एंड मैं यहां पर लिख देता हूं डॉट 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 एंड, राइट। तो चलिए क्या करते हैं, सीधे सीधे जल्दी से करते हैं ये वाला सिंटेक्स यूज। और हमने इंपोर्ट तो लिख ही दिया है, मॉड्यूल का नाम क्या था, एनीवन कैन टेल, जो हमने भी मॉड्यूल बनाया था वो नाम क्या था। यस, एनीवन कैन टेल, जो अभी हमने नाम बनाया था मॉड्यूल का वो क्या था। आई एम नॉट रिसीविंग एनी आंसर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल। ओके, फर्स्ट आंसर आई सेव माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, वशु माई और मॉड्यूल के बीच में स्पेस नहीं है। और एग्जैक्ट जो तनुज ने आंसर एग्जैक्ट दिया है, राघव ने आंसर एग्जैक्ट दिया है, तनु ने भी सही आंसर दिया है डॉट। ओके ओके, या ठीक है। शो हम माई और मॉड्यूल के बीच में स्पेस नहीं है बेटा, किसी भी फाइल के बीच में स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। मॉड्यूल के नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता क्योंकि वो फाइल का नाम है। चलिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं माई मॉड्यूल, ठीक है, बस ओ डी यू एल ई, माई मॉड्यूल, बस सेव कर दिया मैंने। अब ठीक है ना, ओके, मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिया, कैन आई रन द कोड, यस पॉसिबल आई कैन रन द कोड। सो इफ आई रन अगेन सेम एरर, देखो इफ आई रन दिस कोड अगेन सेम एरर, एंड व्हाई दिस एरर नाउ। भाई अभी तो हमने जो मॉड्यूल हमें यूज करना था अभी तो हमने उसको इंपोर्ट भी कर लिया, देन व्हाई दिस एरर। द एरर इज रीजन कि रीजन इज कि हमने मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर लिया लेकिन ये जो मैसेज फंक्शन है वो इसी मॉड्यूल का है या माई मॉड्यूल का है ये मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट में मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हमें अगर इस मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, कोई भी क्लास यूज करनी है तो हमें क्या करना होगा, माई मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट फंक्शन नेम। इंपोर्ट स्टेटमेंट मॉड्यूल को नाम,
एंड जिस फंक्शन को हम यूज करना चाहते हैं उसको हमें डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल करना होगा। तो कैसे कॉल किया मैंने, माई मॉड्यूल डॉट मैसेज। नाउ दिस इज कंप्लीट एंड इफ आई रन दिस कोड सो हेलो अरुण इज प्रिंटेड राइट। और आइदर यू कैन गिव द नेम लाइक इनपुट एंटर योर नेम इक्वल टू नेम इक्वल एंड आई पास हेयर नेम एंड इफ आई रन दिस कोड नाउ एंटर योर नेम आई इनपुट एकता ओके सो इट प्रिंटेड हेलो एकता राइट। सो दिस इज द वे वी कैन रन दिस कोड राइट। कैसे हमने इंपोर्ट किया, सबसे पहले एक हमने माई मॉड्यूल के नाम से फाइल बनाई, उसके अंदर जो भी फंक्शंस हमें रखने थे हमने वो बनाए और उस मॉड्यूल के फंक्शंस को हमने कॉल किया। लेकिन कॉल करते समय ये हमें याद रखना है कि डॉट ऑपरेटर के साथ हम मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं मॉड्यूल के नेम के साथ। ये था बच्चों इंपोर्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। देन मॉड्यूल कैन हैव ए वेरिएबल ऑल्सो राइट, क्योंकि दो चीजें तो हमने पढ़ ली है, जस्ट आई एम डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विद वैल्यू राइट एंड आई वॉन्ट टू यूज दैट वेरिएबल इन माई फाइल। तो देखिए ऑलरेडी मैंने मॉड्यूल तो कर ही रखा है, बस मुझे यूज करना है तो आई यूज प्रिंट ए। इफ आई डू ए यू नो दैट इफ आई डू ए इट विल जनरेट एरर अगेन, आई शो यू ठीक है। अभी तक तो एरर नहीं है लेकिन वो किस पर एरर दे देगा, ए पर एरर दे देगा। कह रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, क्या कह रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड। इन दैट केस भाई अगर मुझे नेम ए को कॉल करना है तो वही वाली बात याद रखनी चाहिए आपको कि भाई ए को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा ये कि मुझे देना होगा मॉड्यूल का नाम एंड आई डू आई एम ओ डी यू एल ई माई मॉड्यूल डॉट ए। लेट मी चेंज द स्पेल राइट। आई सेव माई फाइल, आई सेव माई मॉड्यूल लाइक माई मॉड्यूल एंड आई एम गिविंग माई मॉड्यूल एम मैं कैपिटल नहीं बना रहा हूं। लेट सी द चेंजेस ओके देन देर इज द एरर इन दैट माई मॉड्यूल। सो एज यू सेव योर फाइल नेम इफ एम इज कैपिटल यू मस्ट राइट योर एम कैपिटल इफ यू राइट लाइक दिस। सो फाइल नेम मस्ट नॉट बी चेंज आइदर इन कैपिटल और स्मॉल ऑल्सो। सो आई नीड टू राइट एम इन कैप्स सो दैट इज ओके नाउ एंड इफ आई रन दिस अगेन एंड लेट सी आई इनपुट तनुज एंड आई रन कोड ठीक है हेलो तनुज एंड वैल्यू ऑफ ए इज प्रिंटेड। सो अभी तक हमारी दो चीजें बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी हैं कि भाई एक पाइथन फाइल के अंदर हम क्लास रख सकते हैं, क्लास लेकिन हमने अभी पढ़ी नहीं है, वेरिएबल रख सकते हैं और फंक्शन रख सकते हैं ठीक है। तो फंक्शन और वेरिएबल हमने अपनी फाइल के अंदर रखा हुआ है जो कि यहां पर है हमारी फाइल। लेट मी शो यू या क्योंकि यहां पर हमारी फाइल है जहां पर एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, दूसरा मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है और इन दोनों वेरिएबल को मैंने अपनी फाइल में बिना डिफाइन किए मैं इनको यूज कर रहा हूं। कैसे यूज कर पा रहा हूं, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को या उस पर्टिकुलर पाइथन फाइल को इंपोर्ट करके ठीक है, उस पाइथन फाइल को इंपोर्ट करके मैं इसको यूज कर पा रहा हूं ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वे एंड व्हाट इज द फर्स्ट वे लाइक ओके इंपोर्ट मॉड्यूल नेम राइट मॉड्यूल नेम एंड इन दैट केस मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन एज वेल एज वेरिएबल ठीक है वेरिएबल नेम ठीक है फंक्शन नेम वेरिएबल। तो दिस इज द वे कि आप कैसे किसी भी फंक्शन को और मॉड्यूल को कॉल करेंगे। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फ्रॉम इंपोर्ट। हाउ कैन बी यूज फ्रॉम इंपोर्ट हियर ठीक है। इन द इंपोर्ट जस्ट राइट इंपोर्ट कीवर्ड एंड मॉड्यूल नेम राइट। बट फ्रॉम इंपोर्ट प्रोवाइड यू सम फैसिलिटी ओके फ्रॉम इंपोर्ट
provide you some facility and what type of facility they are, right? कि भाई किस तरह की फैसिलिटी हमें मिल रही है वो हम यहां पे सीखेंगे. तो फ्रॉम इंपोर्ट में क्या है बच्चों, इसको अगर मैं पूरा सिंटेक्स लिखूं, सिंटेक्स तो यहां पर है फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम यानी कि कहां से भाई, माई मॉड्यूल से, यानी कि मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम, ओके मॉड्यूल नेम, ओके. इंपोर्ट कि क्या लोड करे इस मॉड्यूल से, आपको क्या लोड करे कि यहां से ए को लोड करे सर, ठीक है. आइदर आई कैन राइट फंक्शन, उस पर्टिकुलर फंक्शन, फंक्शन नेम कॉमा फंक्शन नेम वन एज वेल एज डॉट 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 फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन यू कैन, फंक्शन नेम एन, ठीक है, डॉट 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 एन, एनी नंबर ऑफ फंक्शन. सपोज एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल के अंदर 10 फंक्शन है, जैसे यही मॉड्यूल मैं मान लेता हूं, और यहां पर हम बना देते हैं अलग अलग बहुत सारे फंक्शन, ठीक है, अलग अलग फंक्शन बना देते. वन इज मैसेज और आई से से हेलो, से 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 हेलो, से हेलो, ये मैसेज फंक्शन का नाम है, से हेलो, हेलो बोल रहा है ये, से हेलो, ठीक है. दूसरा एक फंक्शन हमने बना दिया एड, आई एम पासिंग ए कॉमा बी एंड एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है. आई एम क्रिएटिंग दिस एंड अनदर फंक्शन वी हैव, सम रेंज, रेंज का सम करना है हमने, तो हमने एक यहां पर स्टार्ट कॉमा एंड, दो हमने फंक्शन ले लिए और क्या करे फॉर आई इन रेंज स्टार्ट कॉमा एंड प्लस वन, मैं जो लास्ट वैल्यू उसको भी इंक्लूड करना चाहता हूं. एंड आई डू व्हाट, सम इक्वल टू प्लस आई, एक एक वैल्यू को ऐड करता रहे, ठीक है. एंड सम इक्वल टू जीरो हेयर एंड आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू, प्रिंट सम ऑफ रेंज, सम ऑफ रेंज कॉमा कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक है, कॉमा कॉमा सम, ठीक है. तो मैं यहां पर मैंने क्या किया कि सम ऑफ रेंज, रेंज भी मैंने यहां पर दे दी, ठीक. और मैं एक काम और कर सकता हूं, चलिए यहां पर मैं एक और वर्ड दे देता हूं, टू, ठीक है, ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक का सम ऐड करे और प्रिंट कर दे. ये भी हमने एक फंक्शन बना दिया, और अदर फंक्शंस भी आप यहाँ पे बना सकते हैं. तो मेरे तीन फंक्शन है और एक मेरा वेरिएबल है, मैं ऐसे एक वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज पी आई, चलो रहने दो, वेरिएबल रहने देते हैं अभी, हैं ये करता हूँ. ये मेरे पास अलग अलग तीन फंक्शंस हैं, ये फंक्शन याद रखना बच्चों, एक है से हेलो, एक है एड, एक है सम रेंज, ये फंक्शंस आपको याद रखना, ठीक है. तो चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अपने मैंने इम्पोर्ट किया, मैंने क्या किया इम्पोर्ट इम्पोर्ट, तो मैंने किया यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम, और यहाँ पर क्या आएगा मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल का नेम, देन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एंड फंक्शन नेम. तो सपोज आई एम कॉलिंग ओनली से हेलो फंक्शन,
और शुड आई से एड, आई एम कॉलिंग एनली एड फंक्शन, ठीक है, आई वॉन्ट टू यूज ओनली एड फंक्शन. सो इफ आई कॉल एड, आई एम पासिंग 1, 2, 1, 3. सो दिस 1 विल बी पास टू ए, 3 विल बी पास टू बी, एंड इफ आई रन दिस कोड, लेट्स सी वॉट हैपन. ओके लेट्स सी, ए प्लस बी, ओके आई फॉरगेट टू राइट कॉमा हियर, माई मिस्टेक. ओके सेव इट. ओके आई सेव दिस एंड ओके आई नीड टू बैक लर्न डॉट पी वाई एंड आई ऑल्सो सेव दिस एंड एफ आई रन दिस. ठीक है, सो आउटपुट विल बी फोर. बट आई इम्पोर्ट ओनली वन फंक्शन. बाई मिस्टेक इफ आई यूज से हेलो एंड आई एम पासिंग हेयर अरुण. ठीक है, आई एम पासिंग फाइव. ठीक है, तो इफ आई कॉल दिस से हेलो, सो इट विल जनरेट एरर. ओके यू कैन सी से हेलो. वाई द रीजन दिस आउटपुट इज ओके. वाई द रीजन, बिकॉज भाई फ्रॉम माई मॉड्यूल वी इम्पोर्ट माई मॉड्यूल, बट वी इम्पोर्ट ओनली वन फंक्शन. Only one function we import, because you know whenever we see we check the modules. मैंने आपको दिखाया था अभी math module वगैरह मैंने आपको दिखाए थे और मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से. Here it is. Yes. Yeah. Sorry. 12th. And here math module. Huh? If I show you, you can see this much functions. This much functions inside, so many functions. अब जैसे ये PI है, PI को मैं यूज करना चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं यूज करना. इतने सारे फंक्शन में से सिर्फ मैं पाई की वैल्यू को यूज करना चाहता हूँ मैथ मॉड्यूल से, तो मैं ये सारे फंक्शन को क्यों इम्पोर्ट करूं? मैं क्यों अपने फंक्शन की, अपने प्रोग्राम की इफिशियंसी को कम करूं? क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शन आप लोड करोगे, उतनी ज्यादा इंटरप्रेटर को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक फंक्शन को चेक करेगा. जैसे कि अभी मैं कॉमा लगाना भूल गया था तो उसने मुझे तुरंत एरर दी, क्योंकि आपने यहां पर भले ही मॉड्यूल को फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया, लेकिन वो चेक तो उसी फाइल में जाके चेक करेगा कि आपने जो फंक्शन बनाया है क्या वो अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटेक्स है या नहीं है. अगर पाइथन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो एरर दे देगा. इन दैट सेम सिचुएशन यहां पर सपोज मुझे पाई की वैल्यू यूज करनी है, तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम मैथ import pi. कि भाई pi को import करें. So I can call this print pi. So it will print the value of pi. Okay, let me close this. Yeah. You can see the value of pi, which we not defined already inside the math module, inside the math module. The value of pi is already defined. So I just need to do what? I just call it. I import pi. If I not use this line, you can see, if I not use this line, what happened? It will generate an error because pi is not identified by the this file. क्योंकि इस फाइल के अंदर अपने पाई कहीं define ही नहीं किया. तो मैं दोबारा से इसको activate कर देता हूँ कि भाई python module से इसको access कर ले और ये देखिए output हमें मिल गया. तो अब लेकिन अगर मैं इस पैथ मॉड्यूल का कोई दूसरा फंक्शन यूज करना चाहूंगा, मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने स्पेशली पाई को ही इंपोर्ट किया है. सेम वे यहां पर मैंने केवल एड फंक्शन को ही इंपोर्ट किया है. आई कैन नॉट यूज अनदर फंक्शंस. एंड वन थिंग यू नोटिस, आई डू नॉट नीड टू राइट लाइक दिस. आई डू नॉट नीड टू राइट राइट, बिकॉज इफ वी यूज फ्रॉम इंपोर्ट, इन दैट केस दिस फंक्शन इज इंपोर्ट ऑलरेडी, राइट? सो वी डू नॉट नीड टू राइट again my module dot something and all, right? In case of the import, we need to write only import. But my requirement, sir, I want to use all functions. I don't remember. I don't want to write all name of the function. In that case, you just put star. After the import statement, you just need to put star. That star meaning is,
नाउ व्हाट हैपेंड कि यहां पर हमने क्या किया, फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, जैसे मैंने ये किया बच्चों तो यहां पर क्या हुआ कि हमारा जितने भी फंक्शन अब इस मॉड्यूल के अंदर हैं वो सारे के सारे फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट यहां पर हो चुके हैं। आई कैन यूज एनी ऑफ फंक्शन, आई कैन यूज एनी ऑफ फंक्शन राइट नाउ बिकॉज ऑल फंक्शंस आर इंपोर्टेड। आई यूज एड, आई कैन यूज से हेलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। आई कैन यूज एनी फंक्शन राइट नाउ, आई कैन यूज एनी फंक्शन, यू कैन सी नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट यू कैन सी, ठीक है, बिकॉज आई यूज स्टार, स्टार मीन्स ऑल, स्टार का मीन्स यहां पर क्या है ऑल। सो फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट वी कैन यूज अप टू नाउ टू टाइप्स, वन इज लाइक दिस, वन इज अनदर वन इज फ्रॉम मॉड्यूल नेम एंड आफ्टर इंपोर्ट वी नीड टू पुट स्टार। एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्टार हेयर, स्टार मीनिंग वॉट मीन्स ऑल, ऑल फंक्शंस वेरिएबल्स और एंड क्लासेस, क्लासेस, ठीक है, सब कुछ, ऑल ऑल फंक्शंस वेरिएबल्स क्लास, जो भी कुछ इस मॉड्यूल के अंदर है सारा का सारा हम यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज फंक्शंस नेम लाइन बाय लाइन, आई कैन यूज फंक्शन नेम लाइन बाय लाइन, और आइदर वी कैन यूज ऑल फंक्शन एट ए सेम, राइट। आई थिंक एनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड विथ दिस, यस एनीवन, एनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, ओके। आई रिसीव्ड आंसर्स, नो 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 नो, ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। And suppose with the case of import, with the case of import, let's see. We can also provide alternate name, you know? Alternate name to modules, ठीक है, कैसे करेंगे, import module name, module, module name as alternate name, ठीक है, alternate name। So जैसे कभी हमने एक module use किया, इसका नाम बहुत बड़ा सा है, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने किया import, 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 import my module as m, मैंने ऐसे कर, ठीक है, I can call now, I can call mm.add mm.say hello, no, and I am changing some values, so you can be find the change, I'm writing 10 here, 30 here, and at place of Arun, I'm writing Python, right? Just save it back to the command prompt and I run this, okay? But remember one thing, now you write a alternate name for the my module as mm. If you try to use my module again in this file only, it generate error, okay? If you try to use my module in this file again, it generate error. Reason is what? Because now for this file, your my module name changed with mm. You cannot use that old name. If you are not using this, that's okay. But if you using as a alternate name for this entire file, you cannot use that old name. Okay? So, bacho, ye jo ओल्ड नेम ये केवल इस फाइल के लिए आपने चेंज किया, अपनी सुविधा के लिए आपने छोटा सा नाम रख लिया, है ना, जरूरी नहीं है इससे रिलेटेड हो, आपने कुछ यूज कर लिया, ऐसे ही यूज रख लिया, यू रख लिया, कुछ भी एक आपने अल्टरनेट नेम रख लिया,
तो अब इस फाइल के अंदर आप केवल वो अल्टरनेट नेम यूज कर सकते हैं, आप उसका पुराना जो ओरिजिनल नेम है उसको, देखिए यहां पर जो फाइल है उसका नाम कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन केवल इस फाइल के लिए, इस फाइल के यूज के लिए आप उसका नाम चेंज करके रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके एनीवन 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 हैव इशू? यस रिक्वायर्ड? ओके सो नेक्स्ट इज ओके सो दिस इज ठीक है बच्चों, सो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, डू प्रैक्टिस एंड इफ एनीवन